Hello everyone, this is Bilal and today's video topic is Adverbs of Frequency. इस वीडियो में हम बात करेंगे Adverbs of Frequency के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक adverb क्या होता है. An adverb is a verb that modifies or describes a verb or an adjective or a clause. तो adverb एक word होता है जो कि एक verb को या adjective को या clause को modify करता है, उसे तब्दील करता है या उसके बारे में हमें डिटेल्स देता है. तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. ही सिंग्स, यानी कि वो गाता है. तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सिंग्स. तो वो कैसा गाता है, तो इसके बारे में हमें डिटेल्स चाहिए. तो एक एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में डिटेल्स दे सकता है. जैसा कि अगर हमने कहना है कि वो अच्छा गाता है, तो इसके लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए. ही सिंग्स ब्यूटिफुली. ही सिंग्स ब्यूटिफुली. तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है वो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, सिंग्स को, यानी कि वो अच्छा गाता है या वो खूबसूरती से गाता है. ही सिंग्स लाउडली, वो ऊंचा गाता है. तो इस सेंटेंस में जो लाउडली है वो डिस्क्राइब कर रहा है सिंग्स को, यानी कि वर्ब को. तो इस सेंटेंस में लाउडली एडवर्ब है. ही सिंग्स बैडली, वो बुरा गाता है. तो इस सेंटेंस में बैडली एडवर्ब है. अब बात करते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं. एडवर्ब्स that tell us how often something happens, यानी कि ऐसे adverbs जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार हुई, उन adverbs को हम adverbs of frequency कहते हैं. तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी activities करते हैं. तो कुछ activities या कुछ काम ऐसे हैं जो हम हमेशा करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हम अक्सर करते हैं, और कुछ activities ऐसी हैं जो हम बहुत कम करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम कभी नहीं करते. तो इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑलवेज़ की. तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप हमेशा करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज ब्रशेज़ हिज टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि वो बेड पर जाने से पहले हमेशा अपने दांत ब्रश करता है. तो इस एडवर्ब ऑलवेज़ की जो परसेंटेज है वो 100% है. यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप हमेशा करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज़. अब बात करते हैं सेकेंड एडवर्ब की, जो कि है यूजली. इसका उर्दू में मीनिंग है आमतौर पर, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 80. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि आप हमेशा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं यूजली. फॉर एग्ज़ाम्पल, I usually go to the library. यानी कि मैं आम तौर पर लाइब्रेरी जाता हूँ. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की, जो कि है फ्रीक्वेंटली और ओफन. तो फ्रीक्वेंटली या ओफन, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, अक्सर. तो इसकी जो परसेंटेज है वो है 70. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ओफन गोज़ टू शॉपिंग, यानी कि वो अक्सर शॉपिंग करने जाती है. तो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं. They often go to watch movie at weekend. यानी कि वो अक्सर वीकेंड पे मूवी देखने जाते हैं. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की. तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आप कभी कभी करते हो, उसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं sometimes. तो इसकी जो परसेंटेज है वो है 50. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही sometimes goes to the gym. यानी कि वो कभी कभी जिम जाता है. Sometimes I read newspaper. यानी कि मैं कभी कभी newspaper पढ़ता हूँ. ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की, जो कि है ओकेजनली. तो इसकी परसेंटेज है 20. तो ओकेजन का मतलब होता है तकरीब. तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आप किसी ओकेजन पे करते हो या किसी तकरीब पे करते हो, तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं ओकेजनली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ओकेजनली ईट जंक फूड. यानी कि मैं बहुत कम या किसी ओकेजन पर ही जंक फूड खाता हूँ. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हार्डली एवर, सेल्डम, रेयरली. इन तीनों का एक ही मीनिंग है. तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत कम करते हो, उसके लिए आप इन तीनों में से कोई भी एडवर्ब यूज़ कर सकते हो, हार्डली एवर, सेल्डम या रेयरली. और इसकी जो परसेंटेज है वो है 5. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेयरली गो टू द सिनेमा, यानी कि मैं बहुत कम सिनेमा जाता हूँ. आई सेल्डम गो टू द सिनेमा. तो इसका भी यही मीनिंग है कि मैं बहुत कम सिनेमा जाता हूँ. तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप बहुत कम करते हो, तो उसके लिए एक idiom भी है जो आप यूज़ कर सकते हो, once in a blue moon. तो इसी example को हम idiom में यूज़ करते हैं.
जैसा कि आई रियरली गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा बहुत कम जाता हूँ। आई गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका भी यही मीनिंग है कि मैं बहुत कम सिनेमा जाता हूँ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की, जो कि है नेवर। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कभी नहीं होती, उसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं नेवर, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0%। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर नेवर कम्स लेट इन क्लास, यानी कि हमारे टीचर कभी भी लेट क्लास में नहीं आते। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं कि हम एडवर्ब को सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ करते हैं। यू माइट हैव ऑलरेडी नोटिस्ड दैट वी यूज़ एडवर्ब्स बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं मेन वर्ब से पहले। जैसा कि एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू द स्कूल बाय बस, यानी कि वो स्कूल बस पे जाता है। अब हमने कहना है कि वो हमेशा स्कूल बस पे जाता है, तो एडवर्ब यूज़ हो रहा है ऑलवेज। तो ऑलवेज कहाँ पे यूज़ होगा? मेन वर्ब से पहले, और मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है? गोज। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही ऑलवेज गोज़ टू द स्कूल बाय बस। तो मेन वर्ब हमारे पास है गोज, और जो एडवर्ब है वो है ऑलवेज। तो एडवर्ब को हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब से पहले, यानी कि गोज से पहले। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल बाय बस, यानी कि वो हमेशा स्कूल बस पे जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो अखबार पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही रीड्स न्यूज़पेपर। अब हमने कहना है कि वो अक्सर अखबार पढ़ता है, तो अक्सर के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं ओफन। ही ओफन रीड्स न्यूज़पेपर। तो जो मेन वर्ब है हमारे पास इस सेंटेंस में वो है रीड्स, तो मेन वर्ब से पहले हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं ओफन। ही ओफन रीड्स न्यूज़पेपर। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि आप एक सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हो और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हो, और वो एडवर्ब्स कौन से हैं? समटाइम्स, ओकेजनली एंड ओफन। दीज एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ये जो तीन एडवर्ब्स हैं समटाइम्स, ओकेजनली एंड ओफन, ये आप सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हो और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही प्लेज़ क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है। और अगर हमने कहना है कि वो ओकेजनली क्रिकेट खेलता है, तो इसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करेंगे ओकेजनली। तो इस एडवर्ब ओकेजनली को हम सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं ओकेजनली ही प्लेज़ क्रिकेट, और इसको हम सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, ही प्लेज़ क्रिकेट ओकेजनली। सो दीज एडवर्ब्स गिव अस वेग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमें वेग इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि स्पेसिफिक या कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जैसा कि एग्जांपल है कि मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हमें ये नहीं बता रहा कि मैं कितनी बार क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, यू कैन यूज़ दीज एडवर्ब्स एवरी डे, ट्वाइस अ डे, थ्री टाइम्स अ डे, एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, मंथली और ईयरली। तो अगर आप किसी को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप इनमें से कोई एडवर्ब यूज़ कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं वीक में दो बार लाइब्रेरी जाता हूँ, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई गो टू द लाइब्रेरी ट्वाइस अ वीक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो मंथली मूवी देखने जाते हैं, दे गो टू वॉच मूवी मंथली। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।